रेंज के किसी भी विंडो सिस्टम के साथ आप कंपेयर करेंगे, ये बहुत आगे रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही कॉम्पैक्ट मैक मिनी डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये आता है 1,29,000 रुपये में। इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना। क्योंकि मैंने ये इंडिया में ख़रीदा है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत ही, इसमें डिटेलिंग आप देख सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। जो ये वाला वर्जन है 16 GB यूनिफाइड मेमोरी का, इसमें आपको 512 GB SSD मिलेगी। मैक मिनी विथ एप्पल M2 प्रो चिप, लेटेस्ट M2 की चिप मिलेगी आपको। ये आता है 10 कोर CPU और 16 कोर GPU के साथ। ये है सील पैक बॉक्स, इसको ओपन करने में आएगा सही मज़ा। हाय हाय, इतना सुकून। ये आपको एप्पल के हर प्रोडक्ट में मिलेगा। चलिए दूसरी सील भी ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करना बहुत आसान है, इसको पलट कर रखिए और धीरे धीरे इसको ऊपर उठाइए, और ये आ गया आपका, रुको जरा, सबर करो, मैक मिनी M2 प्रो। इसकी फिनिशिंग बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का। इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं बॉक्स में से, और इसकी पॉलिथीन हटाता हूँ, इसको अनकवर करता हूँ। देखिए बहुत ही शानदार एप्पल का लोगो ब्लैक कलर का सेंटर में। इसके साथ आएगा आपको कुछ मैक मिनी का मेन्यू गाइड, इसको हटा देते हैं साइड में। इसके बाद ये आएगा इसका पावर प्लग, पावर केबल। पावर केबल की जो लेंथ है वो भी काफ़ी सफिशियंट है। एप्पल के प्रोडक्ट की यही खासियत है कि ये अपने साथ कुछ ज़्यादा एसेसरीज नहीं देता है, केवल बॉक्स आया है, इसको साइड में रख देते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात ही कुछ निराली है, अगर ब्रांड एप्पल हो तो बात ये अलग है। ये फिनिशिंग देखिए बहुत ही शानदार। ये इसका बेस है, हम इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे टेप्स लगे हुए हैं। हम जल्दी से हटा लेते हैं इन टेप्स को और देखेंगे, बहुत सारे हमको पोर्ट मिलेंगे यहाँ पर। ये आया शानदार एप्पल का स्टिकर, इसको कहाँ यूज़ करना है अपने हिसाब से यूज कीजिए। फिलहाल मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ये पेरिफेरल डिवाइस है, ये वायरलेस कीबोर्ड है। इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वायरलेस माउस का भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट डिवाइसेज हैं। अगर आप देख रहे हैं आप कंफ्यूज हैं विंडो और मैक में, डेफिनेटली ये आपकी चॉइस हो सकती है। बहुत ही कॉम्पैक्ट और पावरफुल है, 16 GB रैम के साथ, GUI सपोर्ट 16 GB रैम के साथ आता है, 512 GB की हार्ड डिस्क है इसमें। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। HDMI अभी जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं स्मार्ट टीवी के साथ। मैक मिनी 2 आपके पास होना चाहिए, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस और मैक मिनी M2 प्रो। आपको मैं ये करीब से दिखा देता हूँ। इसमें एक पावर केबल है, एक लैन का अडैप्टर है, 4 आपको मिलेंगे थंडरबोल्ट पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट मिलेगा, 2 USB के पोर्ट मिल जाएंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं हेडफोन जैक भी मिलेगा आपको। ये पावर बटन है और ये लाइट ब्लिंक रहेगी तो LED आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही स्लीक और सिल्वर डिजाइन में, स्लीक डिजाइन है, एप्पल का लोगो, बहुत ही बेहतरीन लगता है यार, ग्लॉसी। और हम बनाते हैं आज बहुत ही पावरफुल सिस्टम, और आप देखिए साइज देखिए, ये मेरे PS4 के बगल में भी आ गया और तब भी जगह बची हुई है। मतलब जो हम लोग कॉलेज टाइम में जो बड़े बड़े सिस्टम, बड़े बड़े CPU बनाते थे विंडो के, इतना हाई बल्कि होता था, फिर भी वो इसकी टक्कर नहीं ले सकता है। अगर सेम प्राइस में आप विंडो की कोई मशीन बनाते हैं सेम प्राइस में, तो उसकी परफॉर्मेंस इससे 50% रहेगी ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, आप देख सकते हैं। आपको चलाने के लिए क्या करना है, आपको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए वायरलेस कीबोर्ड, मैंने लॉजिटेक का वायरलेस कीबोर्ड लिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है, आप चेक कर लेना। एक मैंने ही लॉजिटेक का माउस भी लिया हुआ है। तो आपका ये सिस्टम, ये मुझे पड़ा है 1,20,000 रुपये में, कुछ डिस्काउंट मिला था। कीमत है इसकी इंडिया में 1,29,900 रुपये, और 10,000 का ऑलमोस्ट मुझे डिस्काउंट मिला है HDFC, और 15 अगस्त को मैंने खरीदा था तो उसकी ये सेल में मुझे 10,000 रुपये कम मिला है। US में भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ कंट्री में थोड़े से कीमत कम मिल सकती है, बट फिर भी इंडिया में काफ़ी वाजिब दाम पर मिल गया 10,000 रुपये की। अब जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए HDMI केबल जो कि टीवी में कनेक्टेड है, आप यहाँ देख सकते हैं HDMI पोर्ट, तो HDMI पोर्ट है, HDMI केबल लगा देता हूँ, ये बहुत आसानी से लग गई।
ऑब्वियसली पावर तो चाहिए क्योंकि ये बैटरी के साथ नहीं आता है, वरना मैं लैपटॉप ही ले लेता। तो आएगी पावर केबल, काफी बड़ी लंबी सी पावर केबल दे रखी है। कम से कम इतना तो दे दिया, मैक वाले एप्पल वाले ज्यादा सामान देते नहीं साथ में। तो मैक सिस्टम तैयार। तो पावर बटन ऑन करने के बाद एलईडी ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये चालू हो गया। अब मैं जल्दी से टीवी को एचडीएमआई में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए बहुत ही शानदार यार, बंगाली इंग्लिश हिंदी, जैसे ही मैंने ये वायरलेस कीबोर्ड का यूएसबी जो पोर्ट होता है यूएसबी पोर्ट में उसका रिसीवर मैंने कनेक्ट किया और बूम ये चालू हो गया, ये बूट हो रहा होला। डिफरेंट डिफरेंट आपको लैंग्वेजेस में ये नमस्ते और ग्रीट कर रहा है। पहली बार सिस्टम 4K व्यू के 4K स्मार्ट टीवी के साथ, तो बहुत ही सस्ता पड़ा क्योंकि ये मैंने टीवी भी 27,500 रुपये में खरीदा था। 50 इंच का टीवी, 1,20,000 का ऑलमोस्ट सिस्टम। क्योंकि अगर मैं ये लैपटॉप लेता, मैक अगर मैक बुक लेता मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन की, तो मुझे 2,00,000 रुपये की पड़ रही थी। ये थोड़ा फर्स्ट टाइम इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेता है। और आप देखिए लैंग्वेज पैक, तो मैं चूज कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं इनिशियल सेटअप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ टीवी के पास में हूँ। मैं चूज करता हूँ इंग्लिश एंड देन पेयर योर कीबोर्ड टू पेयर अ ब्लूटूथ कीबोर्ड, टर्न इट ऑन एंड वेट फॉर कंप्यूटर टू कनेक्ट इट। तो मैं ये चालू कर देता हूँ। इसमें स्पीकर भी आता है बाय डिफॉल्ट स्पीकर, वॉइस ओवर के लिए बोल रहा है सेटअप मैक। अगर आपको कर रहा है तो वॉइस ओवर करके भी कर सकते हो। वॉइस तीन सिस्टम एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं पहले 1 नंबर पे मैक को कनेक्ट करता हूं, तो 1 नंबर की प्रेस बटन को प्रेस करे रहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ब्लूटूथ कीबोर्ड को। जैसा कि आपने देखा ये ब्लूटूथ कीबोर्ड कनेक्ट डिटेक्ट किया हुआ है, और मैं इसमें भी लैंग्वेज चूज कर लेता हूं। मैं सिलेक्ट योर कंट्री कंटिन्यू, प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, इनपुट सोर्स इज इंडिया, डिटेक्शन प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, इनपुट सोर्स मैंने चूज कर लिया इंग्लिश और डिक्टेशन में इंग्लिश। तो ये वॉइस कमांड भी लेता, छोटा सा स्पीकर भी है इसमें। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। एक्सेसिबिलिटी फीचर, अडेप्ट योर मैक टू योर इंडिविजुअल नीड्स, यू कैन टॉक, सिलेक्ट योर वाईफाई। तो मेरा वाईफाई है 5G, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। कनेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्क्रीन आ गई। नेक्स्ट स्क्रीन में हम करते हैं डेटा प्राइवेसी, तो ये ब्ला ब्ला इनकी पॉलिसी है, आपको एग्रीमेंट नहीं करना, आप डिनाई कर ही नहीं सकते। एप्पल आईडी, तो ये आपका मांगेगा एप्पल आईडी, तो मैं जल्दी से इंसर्ट कर देता हूँ अपनी एप्पल आईडी। तो मैं करूँगा कंटिन्यू। मैंने ये एप्पल आईडी का जो मेरा पासवर्ड आया वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी आता है, वो मेरे आईफोन में आया, मैंने एंटर किया है और ये बूम आगे स्क्रीन आई हैव एग्रीड। तो बहुत ही गाइडेड फ्लो है ये, हर स्क्रीन पे आपको बताया गया आपको करना क्या है। सिंपली इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, कीबोर्ड कैसे कनेक्ट करना है, माउस कैसे कनेक्ट करना है। ये देखिए मैंने एप्पल आईडी दी है तो मेरे इन्फॉर्मेशन भी आ गई, अकाउंट नहीं तो पासवर्ड। मैं इस मैक के लिए, तो ये कंप्यूटर में मेरा अकाउंट बन रहा है तो मैं इसमें एक पासवर्ड रखता हूँ। बहुत iCloud सेटअप हो रहा है, सेटिंग अप अकाउंट, बट मैक वाकई में रियली बहुत फास्ट है। मतलब विद इन 10 मिनट आपकी सारा कंफिग्रेशन आगे बढ़ा देगा, 10 मिनट में। जैसे ही आप सिस्टम को पावर ऑन करेंगे, गाइडेड फ्लो है, आपको बताता रहेगा, 10 मिनट में पूरा सिस्टम तैयार। तो iCloud सेटअप हो रहा है। तो ये पासपोर्ट जो है मैंने जो एप्पल की थी iPhone 14 Pro में, मैंने जो अपने मोबाइल में पासपोर्ट सेट किया था वही पासपोर्ट मैं इसमें डाल रहा हूँ। और इनेबल लोकेशन कर देता हूँ मैं, कंटिन्यू। स्क्रीन टाइम, अभी आपको कौन सा थीम चाहिए? ऑटो डार्क लाइट, तो फिलहाल के लिए मैं लाइट थीम ले लेता हूँ, बाद में थीम चेंज कर सकते हैं। और कंटिन्यू, और ये हो गया आइडेंटिफाई कीबोर्ड। और फाइनली मैंने अपना मैक मिनी M2 प्रो सेटअप कर दिया। तो नीचे की तरफ आप आइकन्स देखिए, सारे आइकन्स, आपको विंडो से बहुत ही अलग फील होगा। ऑलमोस्ट 15-16 साल विंडो यूज करने के बाद मैं शिफ्ट हुआ हूँ मैक में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।